नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। यूं तो हमारे देश में तमाम तरह के दल हैं और तमाम तरह की राजनीति हमारे देश में होती रहती है। कभी मुफ्त की राजनीति, कभी दलगत राजनीति, कभी शिक्षा की राजनीति, कभी धार्मिक राजनीति, कभी व्यवस्थाओं की राजनीति, कहीं अपनापन की राजनीति, कहीं बगावत की राजनीति, कभी विरोध की राजनीति तो कहीं समर्थन की राजनीति। तमाम तरह की राजनीति हमारे देश में चलती रहती है और साथ ही साथ इन राजनीति के बीच में धर्म की राजनीति भी होती है। हिंदू धर्म की राजनीति, मुस्लिम धर्म की राजनीति, हालांकि राजनेता बोलते हैं कि वो सबके लिए काम करते, सबका साथ, सबके विकास के उस पर चलते हैं, सज्जन नेताय बहुजन नेताय सज्जन नेताय सज्जन सुखा की भावना से चलते हैं और साथ ही साथ तमाम तरह के दावे अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा किए जाते हैं। पर राजनीति का केंद्र जो होता है वो होता ही सत्ता, और सत्ता के लिए लगातार जो बयानबाजी के दौर भी जारी रहते रहते हैं। और कुछ दल ऐसे होते हैं जो जिनकी एक अपनी छवि है, उसी छवि के अनुरूप वो हमेशा चलते आए हैं, और जब भी वो अपनी छवि से अलग गए हैं तब नुकसान भी हुआ है। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो बहुत अहम है, क्योंकि आज हम बात कर रहे आ रहे हैं महाराष्ट्र के हिंदूवादी राष्ट्र दल, जिसकी पहचान एक हिंदूवादी राष्ट्र दल के रूप में है, एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में है, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के रूप में है, वो है पार्टी शिवसेना। शिवसेना जिसकी जो आधारशिला है वो बाल केशव ठाकरे उर्फ बाला साहब ठाकरे, वहाँ के लोग उनको प्यार से बाला साहब ठाकरे बुलाते थे, जबकि उनका सही नाम बाल केशव ठाकरे था। 13 जनवरी को 1926 में महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे बाला साहब ठाकरे शुरू से ही एक अलग तरह के नेताओं में एक रहे, अलग सोच, अलग विचार, और सबसे बड़ी बात है कि रचनात्मक। रचनात्मक इतने कि आर के नारायण जो कार्टूनिस्ट थे उनके साथ उन्होंने काम किया, और उनकी जो शुरुआत जीवन के सफर की हुई, जो जीवन की शुरुआत हुई वो एक कार्टूनिस्ट के तौर पर हुई, और कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करते करते वो समाज सेवा में आए, और समाज सेवा में आते आते उन्होंने 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना की। वो शिवसेना जिसकी शुरुआत ही हिंदुत्व के नाम से होती है, वो शिवसेना जिसकी आधारशिला 80% समाज सेवा और 20% राजनीति की विचार पे होती है, वो शिवसेना जो अपने आप में एक अलग नाम है, अलग ब्रांड है, और बाला साहब ठाकरे किसी पहचान के मोहताज कभी नहीं रहे। उनके बयान, उनकी जीवन शैली, उनका व्यवहार, उनकी निर्भीकता और देश के लिए कर गुजरने की उनकी क्षमता और उनका जीवन हमेशा से ही उनको चर्चा में बनाए रखा। शिवसेना महाराष्ट्र का वो दल है जो दल तो महाराष्ट्र का रहा, महाराष्ट्र का दल मतलब कि शुरुआत महाराष्ट्र से रही, बहुत ज़्यादा राज्यों में नहीं फैल पाई, बहुत ज़्यादा राज्यों में संगठन नहीं बना, पर महाराष्ट्र में दल होने के बावजूद एक ऐसा दल बन के उभरा जिसकी गूंज पूरे देश में रही। शिवसेना को जानने वाला आप कर्नाटक के क्षेत्रीय दल को नहीं जान सकते हैं, आप अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों को नहीं जान सकते हैं, हो सकता आपको पता ना हो, पर शिवसेना को देश का प्रत्येक राज्य जानता है और प्रत्येक नागरिक को पता है शिवसेना क्या है, क्योंकि शिवसेना की जो शुरुआत है वो हिंदुत्व के साथ हुई थी और वही उसकी आधारशिला रही, और ये पार्टी थी जिसकी कमान बाला साहब ठाकरे ने अपने हाथों में ली थी, और 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के साथ बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एक अलग दृष्टिगत, एक अलग लक्ष्य के साथ महाराष्ट्र में शुरू किया। हालांकि शिवसेना शुरुआत में लगातार चर्चा बनी रही और 1971 में चुनाव लड़ी महाराष्ट्र विधानसभा का, पर शिवसेना को कोई जीत हासिल नहीं हुई। 1966 बनी शिवसेना ने 5 साल बाद चुनाव लड़ा और कोई जीत, उनका कोई भी विधायक नहीं जीता। उसके बाद 1989 में शिवसेना का पहला सांसद संसद में गया, पहला सांसद 89,
उसके बाद 1990 में जब महाराष्ट्र चुनाव हुए तो शिवसेना ने एक अलग तरह का पटकथा रचते हुए महाराष्ट्र में 52 सीटों पर जीत दर्ज की, और यहाँ तक कि 1989 में भाजपा के साथ गठबंधन करके मेरठ की लड़ी, संघर्ष किया, और 95 में शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर पहली बार महाराष्ट्र में सरकार बनाई। शिवसेना के दो नेता मुख्यमंत्री रहे, एक नाम रहा मनोहर जोशी का और दूसरा नाम रहा नारायण राणे का। ये दोनों नाम केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, और शिवसेना के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बेहतर काम भी किए। अब अगर हम बात करते हैं शिवसेना की शुरुआत से लेकर अब समय अब तक की जो पटकथा की, तो बाला साहब ठाकरे एक अलग प्रकृति के इंसान थे और निर्भीकता के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा चलने वाले थे, और समाज सेवा ही उनकी जो मूलभूत आधारशिला थी शिवसेना की, वो समाज सेवा थी। अगर हम 19 जून 1966 में शिवसेना की शुरुआत की हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि मराठा मानुष के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमको एक मंच चाहिए, एक संगठन चाहिए, और इसके लिए हम शिवसेना का शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए हम शिवसेना को शुरू कर रहे हैं कि हम मराठा मानुष के लिए लड़ना चाहते हैं, हम मराठा मानुष के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। और ये वही बाला साहब ठाकरे हैं जिनके 17 नवंबर 2012 में जब उनका निधन हुआ था, तो उसी प्रेम के साथ संपूर्ण मुंबई ने अपने आप स्वयं पूरा शहर को बंद करने की घोषणा की थी। ये घोषणा ना मनसे की तरफ से की गई थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से की गई थी, और ना ही ये घोषणा शिवसेना की तरफ से की गई थी, ना ही ये घोषणा किसी पार्टी की तरफ से की गई थी। ये घोषणा स्वयं महाराष्ट्र के लोगों ने अपने मन में की थी कि बाला साहब ठाकरे हमारे प्रिय हिंदू हृदय सम्राट के रूप में वो जाने जाते हैं, और उसी रूप में हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। और पूरे शहर को बंद रखने का एक निर्णय किया गया था, और उनकी मृत्यु के दिन, उनके निधन के दिन पूरा शहर बंद था, 17 नवंबर 2012। बाला साहब ठाकरे बड़े रचनात्मक किस्म के व्यक्ति थे और हमेशा से आगे बढ़ने की उनकी सोच रहती थी, पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पे हमेशा आगे रहा। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, जो बात कही उससे कहीं पलटे नहीं, चाहे वो दिल्ली की फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोदने की बात हो, कि संसद के हमले के चलते जब वहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला था तो उन्होंने बयान दिया था कि हम वहाँ मैच नहीं होने देंगे, और पिच तक खोदवा डाली थी। तब जो मैंने आपको बताया कि शिवसेना महाराष्ट्र से शुरू हुआ और उस दल की गूंज पूरे देश में है, देश में गूंज इसलिए है कि जो भी कहा उसको पूरा करके दिखाया। उसके बाद जब बाला साहब ठाकरे चर्चा में रहते रहते कहा जाता रहा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी चले, पर उसका रिमोट बाला साहब ठाकरे के हाथ में ही होता था, ये कद हुआ। यहां तक कि उनके जीवन से जुड़ी हुई कई जो मूवी है वो भी देखने को मिली, जिसमें उनकी चरित्र से मिलते जुलते लोगों के साथ मूवी बनाई गई, फिल्मांकन किया गया, और पिक्चर दर्शकों को देखने मिली और सराही भी गई, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे हैं वो शिवसेना के केवल संस्थापक नहीं थे, कहा जाता है कि शिवसेना ही बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे कही या शिवसेना कही है, बात एक ही है, क्योंकि शिवसेना को आगे बढ़ाने में, उस स्तर पर पहुंचाने में और आम मराठा मानुष के बीच में अपनी जगह बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और 1989 से शिवसेना का लगातार गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, पर 2019 में जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे, उन्होंने एक बड़ी नई इबारत रखते हुए भाजपा से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। शरद पवार के साथ उनकी चर्चा हुई, कांग्रेस के आलाकमान के नेताओं से चर्चा हुई, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके 2020 में महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बनाई। पहली बार शिवसेना की सरकार
शिवसेना का मुख्यमंत्री, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि बिना भाजपा के गठबंधन के, बिना भाजपा के सहयोग के, और लगभग लगभग 3-2.5 साल से सरकार चल रही थी। उसके बाद इस महाराष्ट्र के घटनाक्रम में एक बड़ा उछाल आया। उछाल ये आया कि शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री, कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत करके एक नई पटकथा रच डाली। वो पटकथा थी कि उद्धव सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, उद्धव सरकार गिर गई, और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ, भाजपा के साथ गठबंधन करके, कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, जो अपने आप में बड़ा नाम है, युवा नाम है, और महाराष्ट्र में भाजपा की पहचान है। उन्होंने डिप्टी सीएम का पद संभाल कर ये संदेश दिया कि जो भी निर्णय हमारी यहाँ पार्टी करती है, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है, पार्टी की हाईकमान करती है, हम उस निर्णय को मानते हैं। और जहाँ ये तरफ बात की जा रही थी कि शिंदे मंत्रिमंडल में फडणवीस शामिल नहीं होंगे, तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए शाम को 7:30 बजे जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाजपा सरकार में, वो डिप्टी सीएम बनाए गए, उन्होंने ये पद स्वीकार किया। यहां चर्चा का विषय यह भी है कि जब शिवसेना 1966 में शुरू हुई थी, लगातार संघर्ष करते हुए, लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करी है, लगातार हिंदुओं के मुद्दे को आगे रखा, तो ऐसी क्या वजह रही कि शिवसेना, जो कि मराठा जनमानस की आवाज थी, देश के हिंदुत्व तबके की आवाज थी, चाहे बाबरी विध्वंस रहा हो, या बड़े बड़े बयान रहे हों, या बड़ी कोई घटना रही हो, शिवसेना हमेशा अग्रणी भूमिका में नजर आई, तो भाई शिवसेना अब पीछे क्यों रही? लोगों कहना है कि सूत्र बताते हैं कि जो शिवसेना का हिंदुत्व का एजेंडा था, उससे शिवसेना भटक गई। शिवसेना उस तबके को भी देखने लगी जो तबका शिवसेना का कभी तबका रहा ही नहीं, उस तबके की तरफ शिवसेना ने कभी देखा ही नहीं, उस तबके की वोट की शिवसेना ने कभी कोई इच्छा ही जाहिर नहीं की, पर अब शिवसेना उस वोट बैंक की तरफ भी देख रही है, और यही हिंदुत्व की राजनीति में थोड़े से फिसलने का कारण माना जा सकता है कि परिणाम भी हुआ है, क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। ये वो शिवसेना रही जिसने छोटे से दल के रूप में अपनी पहचान बनाई, और मैंने आपको बताया कि शिवसेना आगे जाके कितना आगे और जाएगी, और इतनी आगे गई कि पूरे देश में अपनी एक छवि बनाई कि शिवसेना क्या है। आप किसी क्षेत्रीय दल के नेता को नहीं जान सकते हैं, पर आप बाला साहब ठाकरे को, ऐसा कोई पुरुष नहीं है, इंसान नहीं है, जवानम नहीं है, देश का नागरिक नहीं है जो बाला साहब ठाकरे को ना जानता हो, हालांकि अब दुनिया में नहीं है, पर उसके बावजूद बाला साहब ठाकरे की गूंज आज भी है। आज भी लोग बाला साहब ठाकरे का अनुसरण करते हैं, आज भी लोग बाबा साहब ठाकरे के विवादित बयानों को याद करते हैं, आज भी लोग शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की उस निर्भीक छवि को याद करते हैं जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते रहे, और इसलिए उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था। पर शिवसेना के बाद अब जो पटकथा रची जा रही है कि शिवसेना में पहले बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे अलग होकर उन्होंने मनसे बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके बाद अलग हुए, अलग होकर चलाते रहे, उम्मीद की कि हमें कुछ अलग मिलेगा, पर नहीं, मराठा जनमानस उनको उत्तर सहयोग नहीं कर पाया जितना वो करना चाहते थे, जितनी उनकी उम्मीद थी, उत्तर भारतीयों पर उन्होंने हमला बोला, तमाम तरह के उन्होंने कृत्य किए, कोशिश की कि लोगों का रुझान उनकी तरफ आए, पर जिनका रुझान केवल बाला साहब में था, वो केवल बाला साहब की तरफ ही रहे, और उनकी सोच, उनकी उम्मीद केवल केवल बाला साहब ठाकरे की पार्टी पर ही टिकी रही। और वही शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उद्धव ठाकरे के हाथ में उनकी कमान आई, वही शिवसेना जो एक तरफ महाराष्ट्र में लीड करती थी, नेतृत्व करती थी, पार्टी भले कोई किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर लीडरशिप शिवसेना की रहती थी, वही लीडरशिप आज कहीं ना कहीं धरातल में जाती दिखाई जा रही है। क्या कमी है, अलगाव है, बगावत है, या जो आधार है उस आधार से विमुख होने के कारण है?
आने वाले समय में शिवसेना प्रमुख कौन होगा और शिवसेना इस महाराष्ट्र के घटनाक्रम से आगे जाकर 2025 में चुनाव किस तरह लड़ेगी, किस तरह की राजनीति करेगी और मराठा जनमानस के नज़र में जो उसकी छवि है, पारंपरिक छवि है, उसको कैसे बनाया जा सकेगी, ये बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर चुनौती के माध्यम से अगर आपको शिवसेना को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे जिनसे शिवसेना की जो पुरानी छवि है वो लौट के आए, शिवसेना की जो पुरानी सोच है वो लौट के आए, शिवसेना की जो पुरानी आधारशिला है कि 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, जब इसी आधारशिला को, इसी समाज सेवा को उद्देश्य मानकर राजनीति की जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि बाला साहब की शिवसेना उसी मुकाम पर फिर दोबारा होगी जिसको लेके बाला साहब जाने जाते थे। क्योंकि यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे का नाम वो नाम है जिसको सभी जानते हैं, कोई परिचय का मोहताज नहीं उनका नाम, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में छवि बनाना कोई आसान बात नहीं है। देश के बड़े नेताओं में एक बाला साहब ठाकरे अपनी निर्भीक छवि, सत्यता और बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं और इसी बयानों के चलते उनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे भी हुए, पर उन मुकदमों से कभी न डरते हुए बाला साहब ठाकरे का हमेशा कहना था कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर सेना की कमान हमको दे दी जाए तो हम तमाम ऐसे देश जो हमको आंख दिखाया करते हैं हमको सुधार देंगे। इस तरह के बयान भी उनके आते रहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि महाराष्ट्र भी है, देश भी है और हम भी हैं, पर सबसे पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद हम। और आने वाले समय में शिवसेना में क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होंगे और शिवसेना अपने पुराने मुकाम पर किस तरह काबिज होगी, ये वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि अगर शिवसेना अपने मूल उद्देश्य, मूल आधार पर वापस जाएगी और पुरानी उसी छवि को दोबारा जिंदा करेगी जिस छवि के लिए शिवसेना जानी जाती है, जिस छवि के लिए सामना में लेख प्रकाशित होते हैं, जिस छवि के लिए उनका अखबार जाना जाता है, जिस छवि के लिए ठाकरे परिवार जाना जाता है, उसी छवि के साथ जो न्याय करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन भी होगा और शिवसेना पुराने अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।